हादसा कभी बोलकर नहीं होता, बस हो जाता है। ऐसा एक हादसा उस वक्त हुआ जब पूरी परिवार बड़े सुकून से खाना खा रहा था। इस हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसको देखने के बाद आपको भी एक बार शॉक लग सकता है। परिवार के लोग जब एक साथ जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे, तो एक पल ऐसा आया जब उनकी खुशी एक खतरनाक हादसे में बदल सकती थी। हालांकि गनीमत रही कि ऐसा कुछ बुरा होने से बच गया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक परिवार अपने सभी सदस्यों के साथ खाना खाने का आनंद ले रहा है, लेकिन उनको आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 6 लोगों की एक फैमिली जमीन में चटाई बिछाकर बात करते हुए रात का खाने को एंजॉय कर रहे हैं। फिर अचानक उनके बीच में छोटा बच्चा कुछ शोर सुनता है और चारों तरफ देखने लगता है। इसके कुछ ही सेकंड बाद छत का पंखा भरभरा कर नीचे गिर जाता है। सीलिंग फैन नीचे जमीन पर दोनों लोगों के बीच में बैठे बच्चे पर गिरता है और जोर से आवाज आती है। इतने में ही बच्चे की माँ तुरंत अपनी जगह से उठकर उस बच्चे को संभालती है। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। यही नहीं, सभी लोग बड़े ही हैरान नजर आते हैं कि आखिर कैसे ये पंखा गिर गया। इसके साथ ही वो डरे हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को वायरल हॉग नाम के एक YouTube चैनल ने अपलोड किया है। वीडियो शेयर करते हुए बताया गया है कि जब पूरा परिवार खाना खा रहा था, तभी पंखा बीच में गिर गया। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई। बता दें कि ये पूरी घटना वीडियो 8 जुलाई 2021 को वियतनाम के बैकनेह की है। वहीं इस वीडियो पर यूजर्स ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं। एक यूजर्स ने लिखा है कि ये एक चमत्कार है, बीच में 3 लोग और कोई हताहत नहीं। इसके साथ दूसरे यूजर ने परिवार के एक साथ खाना खाने के तरीके पर कहा है कि ये परिवार कितना अच्छा है और उन सभी के लिए एक साथ भोजन करना कितना अच्छा है। इन दिनों को याद करें। बता दें कि इस वीडियो को अब तक 1,29,000 से ज्यादा बार देखा गया है। आप भी देखें हादसे का हैरान कर देने वाला वीडियो। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।